तो जितनी हाइप लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच रोमन वर्सेस ब्रॉक की है, सेम उतनी हाइप सेथ रॉलिंस की सिचुएशन की बन चुकी है समर स्लैम को लेकर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर मैं बात करूं समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जब से सेथ वर्सेस रिडल कैंसिल हुआ है और ट्रिपल एच ने उसको लेकर रिएक्शन दिया कि भैया सेथ रॉलिंस टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें आराम से सुन रहा हूं, तब से ये बड़ी बात है कि भैया क्या सेथ रॉलिंस को एक बार फिर से मिस्ट्री अपोनेंट मिलने वाला है या एक बार फिर से समर स्लैम के अंदर सेथ वर्सेस मिस्ट्री अपोनेंट की जो कहानी है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट करती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी काफी सारे अपोनेंट्स के नाम आ चुके हैं और इस वाली वीडियो के अंदर जितने भी 7-8 अपोनेंट्स आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और किसकी एक्चुअल पॉसिबिलिटी की वो सेथ रॉलिंस से फेस कर सकता है अगर स्टिल सेथ का मैच होता है समर स्लैम के अंदर। अभी जो पूरी वीडियो ऑफ कोर्स मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है, आप सभी के कमेंट्स के ऊपर जो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलो मैं पहले वीडियो को शुरू कर लेता हूं हमारे फिएंड ब्रेवार्ट वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के समर स्लैम के मैच के साथ में। क्या ये वाला मैच होने वाला है? आई मीन जैसी ही वाली बात आई सामने कि ना सेथ वर्सेस रिडल नहीं होने वाला, मे बी जो सेथ रॉलिंस है उन्हें मिस्ट्री अपोनेंट मिलेगा, सभी ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया अरे फीड वापस आ रहे, फीड वापस आ रहे, घंटा भाई फीड वापस नहीं आने वाले समर स्लैम के अंदर। अब चाहे वो आ जाए लेकिन मेरे हिसाब से करंटली हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फीड वापस आने वाले हैं, पॉसिबिलिटी एक्चुअल में नहीं है यार। आपको लग रहा है कि जो WWE है वो फीड की वापसी करवाएगी सीधा एक मैच के अंदर और वो आके फेस कर लेंगे सेथ रॉलिंस का? आई गेस WWE इतनी बड़ी चीज नहीं करने वाली, इसलिए मेरे हिसाब से सेथ वर्सेस फीड का जो मैच है वो तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी से इसको तो बाहर निकाल ही देता हूं। अच्छा बात करूं नेक्स्ट मैच के बारे में, नेक्स्ट जो पॉसिबल मैच आ रहा है सामने वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के ओरिजिनल ब्रो यानी कि हमारे वाइपरविल एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। अब रैंडी ऑर्टन का नाम इसलिए आ रहा है सामने क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन है हमारे रिडल के ब्रो है और जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने इंजर्ड किया रिडल को और तब जाके जो मैच पोस्टपोन होता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखो रिडल की जो पॉसिबिलिटी थी उसके जाने के बाद यहां पर रैंडी ऑर्टन की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। उसका मेन रीजन ये रैंडी ऑर्टन की इंजरी को होने में रिकवरी में टाइम लगने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि भैया डॉक्टर्स बता रहे अगले साल तो रैंडी ऑर्टन 1-2 महीने में रिकवर कर जाएंगे तो वो चीजें बिल्कुल नहीं होने वाली है। आई गेस रैंडी ऑर्टन समर स्लैम के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वो मेडिकली क्लियर नहीं होंगे और WWE अपने लेजेंड के साथ में इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहेगी। आई मीन अगर रैंडी ऑर्टन एक सेकंड के लिए कहते भी कि मैं कंपीट करने के लिए तैयार हूं तभी WWE कहेगी नहीं भैया 1-2 महीने और एक्स्ट्रा बैठ जाए, यहां पर तुम्हें एक बार फिर से हम लोग इंजर होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए शायद WWE रैंडी ऑर्टन के साथ भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी और सेथ वर्सेस रैंडी का मैच भी नहीं होने वाला है। जो थर्ड पॉसिबल मैच आया सामने वो होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स के बीच में। अब इस वाले मैच की पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से अराइज होती है, जब हम लोग ये बात कहते हैं कि भैया AJ स्टाइल्स को तो कोई मैच नहीं मिला, समर स्लैम इतना बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होता है तो क्या जो WWE वाले अब वो AJ स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस का मैच ऑफिशियल कर सकते हैं? अब देखो टू बी ऑनेस्ट इस वाले मैच की मुझे पॉसिबिलिटी इसलिए भी लग रही है क्योंकि हो सकता है जो WWE है और स्पेशली जो ट्रिपल एच है आखिरी टाइम पे वाला मैच ऑफिशियल करते हुए नजर आए। एक बार जो मैच पहले भी हो चुका है WWE के अंदर जो कि फॉर श्योर एक इंस्टेंट बैंगर मैच था, तो शायद जो WWE इस वाले मैच को डालती हुई नजर आए। अगर उनके पास कोई चॉइस नहीं मिलती है इसे दो फायदे होंगे, सेथ को उनका अच्छा खासा अपोनेंट मिल जाएगा और AJ स्टाइल्स को एक कमाल का मैच भी मिलने वाला है और इस वाले मैच को मैं जरूर स्टिल पॉसिबिलिटी के अंदर रखना चाहूंगा। जो अगला मैच एक सरप्राइज रिटर्न को लेकर जुड़ा हो सकता है सेथ रॉलिंस है वो जॉनी गार्गानो का फेस करते हुए नजर आए। और आपको बता दूं जैसी ही बात आई सामने कि सेथ का मिस्ट्री अपोनेंट होगा फीड के साथ साथ जॉनी गार्गानो हमें ट्रेंड होते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि फैंस के ये बिलीव है वो फ्री एजेंट बन चुके थे तो ट्रिपल एच आ चुके और ट्रिपल एच जो है उनको रीसाइन करवाते हुए नजर आएंगे कंपनी के साथ में और गार्गानो वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो फाइनली होगा इस साल के समर स्लैम के अंदर। अब देखो टू बी ऑनेस्ट मुझे इस मैच की पॉसिबिलिटी एक्चुअल में लग रही है अगर WWE बात अनाउंस करती है कि सेथ का मिस्ट्री अपोनेंट होगा इस साल के समर स्लैम के अंदर और उन्हें कार्ड से पुल आउट नहीं किया जाएगा। जॉनी गार्गानो एक्चुअल में एक लिजिट पॉसिबिलिटी जो कि मेरे हिसाब से हो सकती है और गार्गानो वर्सेस सेथ रॉलिंस एक कमाल का मैच, एक कमाल का ड्रीम मैच हमें इस साल के समर स्लैम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो AJ का मैच और गार्गानो का मैच इन दोनों को मैं जरूर पॉसिबिलिटी में रखना चाहूंगा। जो अगला मैच होगा वो होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में, ये भी काफी लोग कह रहे थे शायद मैच हो सकता है और ट्रिपल एच गोल्डबर्ग को वापस ला सकते हैं। ऑलरेडी उनकी बातचीत चल रही थी अगर ब्रॉक वॉकआउट करते वापस वो नहीं आते तो वो एंट्री लेते हुए नजर आएंगे रोमन के साथ पूरे फ्यूड के अंदर। लेकिन देखो विंस मैकमैन के आइडियाज थे, अब ट्रिपल एच चला रहे समर स्लैम को, जो पूरे कारनामे किए ना रिडल वाले वो भी ट्रिपल एच ने किए। अगर विंस मैकमैन होते तो रिडल यहां पर आमना सामना कर रहे होते सेथ रॉलिंस का, तो यहां पर सीन कुछ इस तरीके से ट्रिपल एच मुझे नहीं ऐसा लगता है गोल्डबर्ग को वापस बुलाएंगे, इसलिए मैं गोल्डबर्ग वर्सेस जो सेथ रॉलिंस का पूरा फ्यूड है या फिर जो मैच है उसकी पॉसिबिलिटी को बाहर निकाल देता हूं और मुझे नहीं ऐसा लगता कि ट्रिपल एच गोल्डबर्ग को वापस बुलाएंगे इस क्रिएटिव एडजस्टमेंट के बाद सेथ रॉलिंस से फेस करने के लिए। अब जो एक और अपोनेंट का नाम आया है सामने वो सुपरस्टार है जिसका हम इंतजार जरूर कर रहे हैं वापसी का, मैं बात कर रहा हूं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में और फैंस का ये भी बिलीव है कि जो एज है वो अपनी नई गिमिक के साथ आ सकते हैं और फेस कर सकते हैं सेथ रॉलिंस का। और मुझे इस मैच की पॉसिबिलिटी इसलिए भी नहीं लग रही क्योंकि जीरो सेंस वाली चीज होगी, सेथ वर्सेस जो एज का फ्यूड है वो पहले भी देख चुके हैं लेकिन करंटली जो एज का फ्यूड है वो किसके साथ हो रहा है? वो हो रहा है भैया हमारे और किसी के साथ नहीं, जजमेंट डे के साथ में। तो मेरे हिसाब से जीरो सेंस बनने वाला कुछ इस तरीके से, मेरा कहने का मतलब है कि मान लो
लो। आते हैं एज, वो अटैक करते सेथ के ऊपर और भाई मैच हो जाता है। लेकिन इस अगर एज आते और वो जजमेंट डे के ऊपर अटैक करते हैं तो वो चीज ज्यादा सेंसिबल रहेगी, ज्यादा या ना थोड़ी रहेगी कि हाँ भैया सही क्या डब्ल्यू डब्ल्यू वालों ने। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू सेथ वर्सेज एज नहीं करवाएगी, चाहे एज की जो रिटर्न है समर स्लैम के अंदर क्यों ना हो जाए। जैसे कि लास्ट नेम आए सामने वो इस बार थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। फैंस का ये भी बिलीव है आउट ऑफ नोवेयर कोडी रोड्स वापस आएंगे और वो फेस करेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। देखो कोडी वर्सेस सेथ मैच भी नहीं होने वाला है और मैं डायरेक्टली इसका जो रिलेशन है वो ऑटन वर्सेस सेथ के मैच के साथ करना चाहूंगा। रैंडी ऑटन इंजर्ड है, डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रिस्क नहीं लेगी, सेम सीन कोडी के साथ में। कोडी रोड्स इस साल के एंड में या फिर अगले साल रिकवर होने वाले, चाहे जितना मर्जी जल्दी कर लो। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी के साथ एक और रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अब वो हेलना सेल को तो चलो किसी तरह बचा लेगी, कोडी रोड्स ने वहां पर कंपीट कर लिया, लेकिन अब कोडी रोड्स जितनी जल्दी वापस आएंगे वाकई कंपीट करेंगे एक हाथ के साथ में, डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। इसलिए शायद समर स्लैम के अंदर कोडी वर्सेस सेथ का मैच भी नहीं होने वाला है। और जो फाइनल पॉसिबिलिटी बचती है वो होती है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर ट्रिपल थ्रेड मैच फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। क्या ये मैच होने वाला है? उसका मेन रीजन ये क्योंकि जो ट्रिपल एच है वो सेथ रॉलिंस को भाई किसी पोजीशन के ऊपर डाल सकते हैं, आखिर वो उनके फेवरेट सुपरस्टार है। अब देखो मेरे हिसाब से इस वाली चीज की एक लिजिट पॉसिबिलिटी है और स्पेशली मंडे नाइट रॉ के एक तरह के शोडाउन के बाद जो कि रोमन और सेथ के बीच में हुआ था। देखो बताया जा रहा है कि मंडे को ही बता गया था सेथ रॉलिंस और रिडल को कि आपका मैच कैंसिल होने वाला है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर वहां पे रोमन और सेथ के बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन शेड्यूल की थी तो कहीं ना कहीं उसका मतलब बन सकता है आने वाले स्मैकडाउन के शो में सेथ आ सकता है और ट्रिपल एच उन्हें एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। हमने देखा है सेथ और जो ट्रिपल एच का रिलेशन है भैया अथॉरिटी के टाइम से काफी अच्छा खासा चला आ रहा है, तो क्यों ना एक बार फिर से जब ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड है तो आएंगे सीधा डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देंगे और सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर एंटर होते हुए नजर आएंगे। मुझे एक्चुअल में वाली लिजिट पॉसिबिलिटी लगती है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं ये मैच हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है अगर सेथ स्टिल कार्ड में होते हैं, ये तीन लिजिट पॉसिबिलिटी है, सेथ वर्सेस रोमन वर्सेस ब्रॉक, सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉनी गार्गानो या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक पिक करना हो आप कौन सा पिक करोगे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये एक डेडिकेटेड वीडियो, लंबी चौड़ी वीडियो सेथ रॉलिंस के मिस्ट्री अपोनेंट को लेकर, काफी लोग कह रहे थे भाई क्या कुछ सीन है, तो मुझे लगा क्यों ना एक अलग से वीडियो बना दी जाए। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।